खेल संग्राम में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच मोहाली में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन ही इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर आ गई है। तीसरे दिन 6 विकेट पर 271 रन से आगे खेलते हुए टीम इंडिया के लिए अश्विन और जडेजा ने 7वें विकेट के लिए 97 रन जोड़े। 72 रन की पारी खेलने के बाद रविचंद्रन अश्विन स्टोक्स की गेंद पर बटलर को कैचते बैठे। वहीं रविंद्र जडेजा ने भी 90 रनों की शानदार पारी खेली। जडेजा को राशिद ने वोक्स के हाथों कैच करा चलता किया। इसके बाद जयंत यादव ने भी 55 रन की पारी खेल स्कोर 400 रनों के पार कराया। जयंत यादव को 55 के स्कोर पर स्टोक्स ने मोइन अली के हाथों कैच करा टीम इंडिया को 9वां झटका दिया। और 12 रन पर खेल रहे उमेश यादव को भी स्टोक्स ने अपना शिकार बनाया। मोहम्मद शमी 1 रन पर नॉट आउट रहे। इस तरह टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 10 विकेट पर 417 रन बना 134 रनों की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 5 और आदिल राशिद ने 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड टीम पर अश्विन एक बार फिर हावी दिखे। कप्तान एलिस्टर कुक 12 रन बना अश्विन की गेंद पर बोल्ड हो गए। मोइन अली भी 5 रन बना अश्विन की गेंद पर जयंत यादव को कैच देकर चलते बने। वहीं 15 रन पर खेल रहे बैरिस्टों को जयंत यादव ने विकेट कीपर पार्थिव पटेल के हाथों कैच करा चलता किया। दिन के आखिरी ओवर में बेन स्टोक्स को 5 के स्कोर पर अश्विन ने LBW कर इंग्लैंड को चौथा झटका दिया। इस तरह इंग्लैंड की टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में 78 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। गैरेथ बेटी 0 और जो रूट 36 रन बना क्रीज पर मौजूद है। फिलहाल इंग्लैंड की टीम भारत से 56 रन पीछे है। ऐसे में चौथे दिन इंग्लैंड के बल्लेबाज टीम इंडिया के स्पिनर्स का मुकाबला कर पाते हैं, ये देखना अहम होगा। तीसरे दिन के खेल के बाद मोहाली टेस्ट भी अब टीम इंडिया के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।